ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ अ प्लास्टिक. ओके, तो यहाँ पे हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं. और प्लास्टिक वर्ड सुन के ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लास्टिक तो हम जानते हैं, प्लास्टिक से तो हम फैमिलियर हैं. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विद द मेनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एवरी डे. मेक अ लिस्ट ऑफ अ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. आप सब प्लास्टिक से फैमिलियर हो, प्लास्टिक के आर्टिकल से. ओके, तो इस तरीके के आर्टिकल्स के आपको क्या करने हैं, लिस्ट बनाने हैं और यहाँ पे उसके यूजेस बताने हैं. अच्छा, तो मैं आपको बताऊँ. आप देखो, मार्केट जाते होगे तो वहाँ से जो थिंग्स लाते हो, वो जो दुकानदार है वो आपको कोई भी सामान किसके अंदर रख के देता है, प्लास्टिक बैग के अंदर रख के देता है. ठीक है, आप कहीं भी जाते होगे तो आपने देखा होगा कि या तो पॉलीथीन का यूज़ करते हो या तो प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हो. आपके घर में भी जो कंटेनर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, जहाँ आपकी मम्मा राइस या शुगर या सॉल्ट स्टोर करके रखती हैं, वो भी वो सारे कंटेनर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. आपके घर में मग, बकेट, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें है, होता ही है. तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक से काफ़ी फैमिलियर हैं. ओके, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक तरीके का क्या है, पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. सारे प्लास्टिक की अरेंजमेंट एक जैसी नहीं होती है. इन सम इट इज़ अ लीनियर, वेर इन अदर इज़ अ क्रॉस लिंकेड. कुछ क्या होते हैं, लीनियर शेप में होते हैं, कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं. ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज. जो हमारे पास प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो हर तरीके के शेप, साइज और कलर में होते हैं, बिकॉज हम इसे मोल्ड करके किसी भी शेप और साइज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, द फैक्ट इज द प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक को हम ईजिली मोल्ड कर सकते हैं. कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, इसे कोई भी फॉर्म दे सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड, मेल्ट, रोल इंटू सीट और मेड इंटू वायर्स. ओके, तो प्लास्टिक को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं. और इसका जो आपने देखा होगा, प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है, इसलिए जो वायरिंग होती है, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, उसका जो वायर्स होता है उसका ऊपर का कवर भी प्लास्टिक का बना होता है. ओके, दैट इज़ वाई इट फाइंड अ सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस. ओके, अच्छा, यहाँ पे पॉलीथीन का दे रखा है. पोलियानी, अब तक आप फैमिलियर हो चुके होंगे इस नाम से. पोलियानी बहुत सारा. इथीन, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट के इथीन सब्सटेंस ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पॉलीथीन. और पॉलीथीन नाम तो आपको पता ही होगा, लाइक अ पॉलीथीन बैग्स. ओके, जिसमें आप सामान लेके आते हो मार्केट से. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड ईजली. अब क्या करना है आपको, बैंड करके प्लास्टिक को देखना है कि सारे प्लास्टिक बैंड होते हैं क्या. तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं होते, कुछ ही प्लास्टिक हैं जो ईजिली बैंड हो जाते हैं, बट कुछ प्लास्टिक के मटेरियल ऐसे होते हैं जो ईजिली बैंड नहीं होते. तो इस तरीके के प्लास्टिक को हम देखेंगे. यहाँ पे दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरा होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक. अब थर्मोप्लास्टिक क्या है पहले वो देख लेते हैं हम. ओके, सच अ प्लास्टिक विच के डिफॉर्म ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजली आर नॉन एज अ थर्मोप्लास्टिक. यानी वो प्लास्टिक जो ईजिली डिफॉर्म हो जाए, या फिर इट मीन्स थोड़ा भी हम उसे हीट प्रोवाइड करें तो वो डिफॉर्म हो जाए और ईजिली बेंड हो जाए, तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मो प्लास्टिक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलीथीन एंड पीवीसी. ओके, एंड नेक्स्ट इज देर आर सम प्लास्टिक विच वन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें हीट प्रोवाइड करने के बाद भी वो सॉफ्ट नहीं होते, वो मोल्ड नहीं होते. ओके, दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अच्छा, ये दोनों जो प्लास्टिक है इसकी डिफाइनेंस आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है.
सो प्लीज़ अंडरलाइन इट. ओके, टू एग्जांपल्स आर बैकलाइट एंड मेलामाइन. इसके दो एग्जांपल हैं बैकलाइट एंड मेलामाइन. बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल ऑफ वेरियस अंडरसी. तो ये हीट का पुअर कंडक्टर है, इसलिए हम इसे वायर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अनटेंसिल, इट मीन्स ऐसे बहुत सारे बर्तन हैं जिसके हैंडल को बनाने के लिए हम करते हैं. मेलामाइन, मेलामाइन इज़ अ वेस्टाइल मटेरियल. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ फ्लोर टाइल्स. मेलामाइन क्या है, ये हीट को रेजिस्ट करता है. और इसका यूजेस क्या होता है, फ्लोर की टाइल्स बनाने के लिए होता है, किचन वेयर के लिए होता है, एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर. और ऐसे फैब्रिक को बनाने के लिए होता है जो फायर को रेजिस्ट करता है. सो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो यहाँ पे ये सारे यूजेस है, ये भी 1 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. ओके, तो प्लास्टिक जो है वो सारे मटेरियल में से हम प्लास्टिक को ही क्यों चूज़ करते हैं, ये इस टॉपिक में हमें ये देखना है. बिकॉज़ क्या होता है कि प्लास्टिक जो है वो चीप प्राइस में हमें मिलता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज़ प्लास्टिक. टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिंकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर से मोस्ट कन्विंस. ओके, अगर ये सारी चीज़ें हमें रखनी हो तो इसके लिए जो प्लास्टिक का कंटेनर है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वेट में लाइट होता है, लोअर प्राइस में होता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं. बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल, मेटल के कंपेयर में ये बहुत लाइट होता है. प्लास्टिक आर यूज़ इन अ कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट. प्लास्टिक का यूज़ कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट में होता है. द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा. इट मीन प्लास्टिक की यूजेस की इतनी लंबी लिस्ट है कि हम बनाने बैठे तो उसका कोई एंड नहीं है. प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव. अच्छा, ये भी एक इसका एडवांटेज है, प्लास्टिक जो है कभी भी एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता. ओके, यू नो डैट अ मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड वैन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. ऐसा होता है कि हम अगर आयरन को ओपन प्लेस पे छोड़ दें तो वो एयर में रहे हुए मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट हो जाता है, इट मीन्स जंग लग जाता है ऊपर उसके ऊपर. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, दे आर नॉट क्रोडेड ईजली. दैट इज़ वाई they are used to store various kind of material including many chemical also. यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो वाटर और एयर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं फूड स्टोर करने के लिए और बहुत सारे मटेरियल स्टोर करने के लिए. ठीक है, नाउ प्लास्टिक इज़ अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. टॉक टू योर पेरेंट्स और अ ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट डेट वेर यूज इन अ पास. वॉट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टूडे. वॉट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, सिंस प्लास्टिक इज अ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन टू अ डिफरेंट शेप एंड साइज. आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो कि वो पास में किस तरीके के बकेट और मग का यूज़ करते थे, और अब आप किस तरीके का बकेट और मग का, कौन से मटेरियल के बने हुए बकेट या मग का यूज़ करते हो. ओके, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने का एडवांटेज क्या है. तो एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये जो वेट में होता है प्लास्टिक, बहुत लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप एंड साइज. इट मीन्स हम इसको इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर अ वेरियस पर्पस. प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन अ मेटल, इसकी प्राइस बहुत कम होती है मेटल के कंपैरिजन में. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल. इसकी बनी हुई चीज़ों का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी होता है और हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए भी होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर डेट यू यूज इन डेली लाइफ. ओके, प्लास्टिक आर अ पुअर कंडक्टर. आप सबको पता है कि प्लास्टिक क्या है,
पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. यू हैव अ लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव अ प्लास्टिक कवरिंग. आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, और इसीलिए जो वायरिंग होती है घर में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जिस वायरिंग के थ्रू, उसका जो ऊपर वाला कवर होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है. ठीक है. एंड जो घर पे हम लाइक फ्राई पैन वगैरह यूज़ करते हैं उसका भी जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, बिकॉज फ्राई पैन जो होता है वो मेटल का होता है, उसके हैंडल प्लास्टिक का होता है, बिकॉज ये जो हैंडल है वो हीट ना हो और ये कैसा रहे, इसे हम टच कर सके, मतलब पकड़ सके, इस तरीके का होना चाहिए. आर ऑल्सो मेड ऑफ अ प्लास्टिक. ओके. प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट. व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट दिस रैप इन प्लास्टिक और पैक इन टू पॉलीथीन बैग. ओके. जब भी हम मार्केट जाते हैं कोई सामान लेते हैं तो या तो वो प्लास्टिक में रैप होता है या पॉलीथीन के अंदर, पॉलीथीन बैग के अंदर पैक करके हमें दिया जाता है. अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि प्लास्टिक के एडवांटेज भले ही कितने सारे हो बट इसके डिसएडवांटेज बहुत हैं. ठीक है. ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है. ठीक है. बिकॉज प्लास्टिक को जब हम बर्न करते हैं तो वो इजीली बर्न नहीं होता है, और बर्न भी होता है तो पॉइजन वाले स्मोक उसमें से निकलते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, हमारा एयर को पॉल्यूट करता है. ओके. लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग रैप्ड इन अ प्लास्टिक और पैक इन अ पॉलीथीन बैग. दैट इज़ अ वन रीज़न व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. अल्टीमेटेड प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. वाई. ओके. तो इसीलिए क्या होता है कि हम इतने सारे प्लास्टिक बैग घर में इकट्ठा कर लेते हैं, कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गार्बेज की तरह इकट्ठा हो जाता है, या फिर बहुत लोग जो होते हैं गार्बेज को थ्रो करने के लिए भी प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं. ओके. बट जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो आज भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए. ठीक है. जिस हिसाब से यूजेस उसके इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हम देखने जाएँ तो इसका डिस्पोजल जो है हमारे लिए आज भी एक मेजर प्रॉब्लम है. मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल अ बायोडिग्रेडेबल. वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, इट मीन्स बैक्टीरिया के थ्रू जिसे डिकम्पोज किया जाता है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं. अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इन टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल. और जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप अंडरलाइन कर लेना. सिंस प्लास्टिक टेक अ सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज़ अ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉज अ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ अ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली. इसीलिए ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए ये फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज जब हम प्लास्टिक बर्न करते हैं तो ये ईजिली बर्न नहीं होता है, ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, और इसको बर्न करने पर पॉइजन्स वाली गैस निकलती है जो क्या करती है, हमारे एयर को पॉल्यूट करती है. ओके. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. यहाँ पे हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व. तो ये जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे देखना है. तो क्या करेंगे, जितना हो सके उतना ज़्यादा हम प्लास्टिक का यूज़ करना अवॉइड करेंगे, अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, अपने रिलेटिव्स को समझाएंगे, उनको बताएंगे, उनको अवेयर करेंगे कि प्लास्टिक जो है हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे नेचर के लिए कितना हार्मफुल है. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. मेक यूज़ ऑफ अ बैग मेड ऑफ अ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग. जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़ का, और कॉटन और जूट के बैग्स को ही यूज़ करना चाहिए जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं. द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली. इस तरीके के वेस्टेज को, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को हमें अलग अलग रखना चाहिए.
प्रैक्टिस दिस इन योर होम, अपने घर पे इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूअर्ड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल. क्या आप भी ऐसा कोई सजेशन दे सकते हो जिसकी वजह से या जिस वजह से हम जो प्लास्टिक का रिड्यूस है वो कर सकें. ओके, इट इज़ द बेटर रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल. ओके, तो ये एक तरीके का, इट इज़ द बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. ये बेटर होगा कि हम क्या करें, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर दें. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं जो इन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम डैट कैन बी रिसाइकल, हाउएवर ड्यूरिंग अ रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट आर एडेड, दिस लिमिट इट्स यूज स्पेशली फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ फूड. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे वापस रिकलर कर सकते हैं और वापस उसका यूज़ कर सकते हैं फूड को स्टोर करने के लिए. ओके, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर द फाइव प्रिंसिपल आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यू. ये फाइव प्रिंसिपल जो है हमें फॉलो करने चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास ओवर होता है. ओके, बाय बाय, वी विल मीट सून.